वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल व्यूअर्स, पाकिस्तान की जानिब से आप सबको हैप्पी होली। और आज इस लाइव सेशन में हमें ज्वाइन किया है मुजफ्फर चौधरी ने पाकिस्तान से, और इंडिया से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला, और आप दोनों को भी हैप्पी होली। धन्यवाद विभा जी, आपके और आपके सभी दर्शकों को हैप्पी होली। और जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि बुरा न मानो होली है, आज के दिन आप कुछ भी बोलें और कुछ भी करें सब लोग जायज कहते हैं। आज होलिका है, अभी होलिका दहन होगा, तो होलिका की कहानी है कि अपनी भाई को बचाने के लिए जो हिरण्यकश्यप, मैं तो स्टोरी भूल रहा हूँ, तो उसकी बहन ने अपने भाई को लेकर के और वो बैठ गई थी और फिर उनको उनको शायद ऐसे कुछ कर दिया गया। अब यही है, भारत के लोग अपनी अपनी परंपरा के बारे में नहीं जानते। मैं भी उनमें से एक हूँ, क्योंकि हमें पढ़ाया ही नहीं गया क्या कहानी है, बस एक परंपरा और ट्रेडिशन को हम मनाए जा रहे हैं। हालांकि होली मेरा सबसे पसंदीदा त्यौहार है, क्योंकि होली की खास बात है, रंग है, कलर है, खुशियाँ हैं। मेरा बचपन की सबसे ज़्यादा यादें, हम लोग वो क्या नाम है वो बनाते थे मटकी फोड़ने के लिए, बहुत ऊपर मटकी बटा दी जाती थी, फिर ह्यूमन पिरामिड बनते थे और उस पे जो सबसे ऊपर जा करके मटकी फोड़नी होती थी। मुझे आज भी याद है, अपने पिताजी की डांट मुझे पड़ी थी, क्योंकि मैं ना टोटल 5 लेयर बना था, ये पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, पांचवा लेयर, तो मैं ना तीसरे लेयर पे था कि मेरे कंधे पे लोग चढ़ के ऊपर वाले लेयर पे गए थे, तो फिर वो ना वो बार बार गिर जाते हैं क्योंकि बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है, वेट हो रहा होता है और फिर पैर से आपका चमड़ा जो है ना वो तो अपना पैर रख रहा होता है ग्रिप पाने के लिए, आपका चमड़ा दबता है, उसके ऊपर भी एक कोई चढ़ने की कोशिश करता है, कोई भी आपको कहीं से पकड़ता है ताकि वो आपको पकड़ के ऊपर चढ़ सके, तो उसमें बार बार गिर रहे थे। और मुझे याद है मेरा ये पूरा वाला इस समय कट गया था, भयंकर खून बह रहा था, पिताजी ने आके मुझे 3-4 बातें सुनाई लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं। मटकी फोड़ना कहते हैं उसको, इट्स अ वेरी वंडरफुल ट्रेडिशन, बड़ा मजा आता है कहते हैं। जब हम ड्रामा देखते थे, मैं जब छोटी थी ना तो मैं इंडियन ड्रामा देखा करती थी जिसमें कसौटी जिंदगी की और सास भी कभी बहू थी, इस तरह के सीरियल जब मैं मामा के साथ बैठ के देखती थी ना तो उसमें ये होली का फेस्टिवल मनाया जाता था। और अभी भी कुछ सीरियल ऐसे हैं जिसमें होली का, मतलब बहुत सारे, मतलब मैं जो इंडियन सीरियल देखती हूँ ना उसमें होली का फेस्टिवल मनाया जाता है, और मैं बड़ा एक्साइटेड होकर वो देखती थी कि ये किस तरह होली मनाते हैं। और हमारे यहाँ पर, मतलब मेरे माइंड में बच्ची थी तब मैं, तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आता था यहाँ पे क्यों नहीं सेलिब्रेट की जाती, और मैंने कहा ये कितना चिल करते हैं और ये सब कुछ। और मुजफ्फर भाई आपको भी, आपका बहुत शुक्रिया और हैप्पी होली। मैं वही अपने इंतजार में था कि मेरी बारी कब आए, और मैं भी तमाम दर्शकों को होली कह सकूं, होली मुबारक तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से, होली है, वो होली है, बुरा न मानो होली है। सही हो गया, थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आप सबको भी होली की शुभकामनाएं। अभिषेक भाई आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो होली की, आपको भी होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आपका जीवन जो है वो मंगलमय हो, खुशियों के सारे रंग आपके जीवन में हो, रिभा जी के रंग में हो, और आई विश गुड फॉर पाकिस्तान आल्सो कि आपके यहाँ भी अच्छी है खुशियां आए, वो आए। तो अमरजीत सिंह कह रहे हैं जन्माष्टमी में भी होता था, हाँ जन्माष्टमी में भी होता है, वो बात आप सही कह रहे हैं अमरजीत सिंह जी, तो हम लोग होली में। होली डॉक्टर साहब, होली के एक मुबारक मौके के ऊपर मैं एक खबर भी आपको बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से कोशिश हो रही है भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए, और पाकिस्तान ये चाह रहा है कि जी बहुत नुकसान कर लिया, अब कुछ बेहतरी की तरफ जाया जाए, और जो पाकिस्तान की इकोनॉमी भी खराब हो रही है, हर तरह से पाकिस्तान पीछे जा रहा है, तो भारत के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाकर तो भारत की कुछ हेल्प ली जा सके, तो इसके ऊपर जी मैं समझता हूँ कि एक अच्छा दिन है और मुबारक मौका है, और इसके ऊपर जो है वो एक अच्छी खबर भी है हमारे लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये आपके लिए तो अच्छी है, पता नहीं इंडिया के लिए कितनी अच्छी है। अक्सर जाने दे, खुशी के मौके पर इस तरह की बातें ना करें यार, आप भी शुभ 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 बोले, ठीक है शुभ 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 शुभ, अच्छा हो, अच्छा सब कुछ पाकिस्तान के लिए भी अच्छा हो ना, ट्रेड बहाल करना आजकल, आज तो पाकिस्तान आपकी बात, मैं डॉक्टर साहब आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि हमेशा से भारत की तरफ से पॉजिटिव चीजें ही आई हैं, लेकिन हमेशा से उसका रिस्पॉन्ड पाकिस्तान की तरफ से ठीक नहीं गया, हमेशा ऐसे ही हुआ। वाजपेयी जी पाकिस्तान तशरीफ लाए थे लाहौर, उन्होंने बोला कि आज हम शुरुआत करते हैं, नई शुरुआत करते हैं, हम पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं, पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ आपको पता है,
उसके बाद में मोदी जी ने फिर दोबारा से शुरुआत की। नवाज शरीफ ने उनको अपने एक शादी पर इनवाइट किया, वो वहां पर तशरीफ ले गए बगैर बताए और शादी में शिरकत की, एक दूसरे से तोहफे तहायफ भी उन्होंने एक्सचेंज किए। उसके बाद में फिर एक इंसिडेंट हो जाता है पाकिस्तान की तरफ से, तो वो पठानकोट ताल्लुकात फिर पीछे चले जाते हैं। तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि ये हमें जो है इन चीज़ों को देखना चाहिए, इन चीज़ों के ऊपर जो है मेरे ख्याल में कंट्रोल करना चाहिए कि अब इस तरह का फिर से कोई वाकया ना हो, कि ये दोस्ती की कोशिश हो और पीछे से फिर वो एक वार हो जाए। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए जो भी है। मेरा जी, मेरा जो मेरे जो भय है, जो मेरा वो है, वो इन चीजों पे नहीं है कि पीछे से वॉर हो जाएगा और क्या हो जाएगा। देखिए, भारत को समझना पड़ेगा, भारत के चिंतन को समझना पड़ेगा ना। पाकिस्तान से भारत कोई दुश्मनी नहीं चाहता, भारत के टुकड़े हुए वो हम एक्सेप्ट कर चुके हैं। अब जबरदस्ती आपके यहाँ पे हर चीज का अगर हवा बना दिया जाए, ये झूठ का तो कोई सामना नहीं कर सकता। भारत ने 1947 में ही भारत को पाकिस्तान ने भारत ने 1947 में भारत को मान लिया था। उनका क्या नाम है, हमारे जो प्रथम होम मिनिस्टर थे और हम सबके प्रिय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्पीच है कि आप जाइए, आप ले जाइए, आप हमारे में से ही है, आपने ले लिया, इस्लाम के नाम पे बनाना चाहते हैं बनाए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था और आज भी नहीं है। कश्मीर पे हमारी प्रॉब्लम है कि हम कश्मीर नहीं मानते, पीओजे के हमारा है और हमारा ही रहेगा। लेकिन पॉइंट ये है कि आपसे अगर ट्रेड कर लें मुजफ्फर भाई, और आप कल को अच्छी संगत में आ जाओ, अच्छे संगत मतलब अच्छी पोजीशन में आ जाओ, आपने ही सबसे पहले न्यूक्लियर बम मारना है काफिरों के ऊपर, ये यही गारंटी नहीं है। सर, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं पास आपसे एग्री करता हूं। कुछ क्योंकि आपका बम ना तो ईरान पे चलेगा, आपका बम ना तो अफगानिस्तान पे चलेगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। टीटीपी आपको रन ओवर कर जाए, आपके आपको गुलाम बना ले टीटीपी, पर आप पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन नहीं चलाएंगे। लेकिन यदि हिंदुस्तान की बात होगी तो आप मरने को भी तैयार है, खत्म होने को भी तैयार है, हिंदुस्तान को खत्म करने को तैयार है, भारत की आप एक-एक इंसान को मारने के तैयार है। ये जो हिंदू नफरत आपके यहाँ भरी हुई है ना, और आपके स्कॉलर्स में भी भरी हुई है, ये सबसे दुख की बात है। वो एक जो है ना, कि क्या हम आपसे दोस्ती करें किस लिए, अपनी अपनी मौत का फरमान साबित करने के लिए दोस्ती करें? ऐसा तो कोई नहीं करेगा। हम तो आप जैसे लोगों को ये मजबूत करते हैं कि दोस्ती मेरे हिसाब से तब होनी चाहिए जब आपके लोगों का दिमाग चेंज कर चुका हो। आप ट्रेड तो हम कर लेंगे, आपको तो आलू टमाटर सस्ते में मिल जाएंगे, उसके बाद भी क्या नफरत कम होगी भारत के लिए आपके मन में? हम काफिर होना बंद हो जाएंगे, हम नजस होना बंद हो जाएंगे? नहीं होंगे। हम तो मैं इसका तो डॉक्टर बहुत साहब, ज्यादा ये नहीं, ये इसका हल भी, ये भी तो नहीं है ना कि हम बिल्कुल ला ताल्लुक होके बैठे रहे, हम आपस में रिश्ते जोड़े ही ना, ये भी तो उसका हल नहीं है। मेरा जो मानना है, एस जयशंकर साहब ने भी इसका जवाब दिया और मैं भी देता हूं, मेरा ये मानना है पीपल टू पीपल कांटेक्ट होने चाहिए, पीपल टू पीपल बातचीत होनी चाहिए। ये लोग, आप जैसे लोग हैं, रिबाहा हो गई, मुजफ्फर भाई हो गए, ये जो यंग जनरेशन है, ये लोग जब प्रेशर बनाएंगे अपने समाज पे कि भाई, क्योंकि आप लोग हैं जो लोगों तक एक पॉजिटिव वो मैसेज भेजते हो हिंदुस्तान में, भले आपको यहाँ 10 लोग आके गाली दे दें, लेकिन 90 लोग आपको बहुत प्यार करते हैं क्योंकि आप एक पॉजिटिव मैसेज भेजते हो, ठीक है ना। बिल्कुल हिंदुस्तान के लोगों में थोड़ी सी आशा जगती है, लेकिन हिंदुस्तान 1000 साल से ये झेल रहा है, ये बुत परस्ती, और ये आप लोग को बोलते समय भी आपको शायद वो नहीं लगता कि आप किसी के भावनाओं को हर्ट कर रहे हैं। बुत परस्ती, ये यहूदी है, ये कादियानी है, आप सबको हाँ गालियां जी, दे वैसे देते, फ्री है, फ्री होके गालियां देते बिना ये सोचे कि सामने वाले की भी भावनाएं हैं। जिसको आप गलत मान रहे हो वो आपकी गलत मानने का वो उसका हमने ठेका नहीं लिया है। आप अगर किसी चीज को मान के बैठ जाओ और उसको बस आप मान लो, चूंकि मानने पर दुनिया है, ये इस जगह का, हमारे यहाँ पे आज मैंने एक शो भी किया था, इंडियन नॉलेज सिस्टम में न्याय शास्त्र में लिखा हुआ है कि जब आप कोई चीज जानना चाहो उसके 16 16 टेस्ट होते हैं, 16 तरीके से आप चीजों को, प्रमाण प्रमेय ऐसे करके वो चीजें हैं, उनमें से होता है कि जब आप किसी चीज को जानना चाह रहे हो तो उसमें दोष नहीं होना चाहिए, काल दोष, देश दोष। यानी कि देश दोष का मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं कि वो आपके यहाँ पे तो सही है पर हमारे यहाँ उसका, उस प्रिंसिपल का कोई एप्लीकेशन नहीं होता है।
तो जब आप ये कहें तो पॉइंट ये है कि भारत के समाज को हम चाहते हैं, आपसे दिल से बता रहा हूं, हम चाहते हैं आपका डेवलपमेंट हो, हम चाहते हैं आप खुश रहें, हम चाहते हैं आप इकोनॉमिकली डेवलप हो, लेकिन हम अपनी सिविलाइजेशन के कॉस्ट पे ये नहीं चाहते कि आप हमसे ही पैसे कमाएं और न्यूक्लियर बम लेकर के हमको ही बर्बाद करने आ जाए, ये तो नहीं होगा। तो मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान से हो अच्छे समर्थन, हो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट तो होना चाहिए। मैं वापस इसीलिए आया कि जब मैंने डिसाइड कर दिया कि अब मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज ऑफ आपके एक यूट्यूबर है उनकी वजह से, लेकिन फिर मुझे एक आप ही के यूट्यूबर ने फोन किया और उसने कहा कि, मैंने कहा कि नहीं सॉरी मैं अब तो नहीं आता हूं इंडियन पाकिस्तानी चैनल पे, तो उन्होंने कहा मेरा चैनल पाकिस्तानी कब से हो गया। तो ये बात मुझे इतनी परसुएसिव लगी और इतनी मुझे बात अच्छी लगी, मैंने कहा बिकॉज आई एम अ लॉयर एंड इफ देयर इज अ गुड आर्ग्यूमेंट आई गिव इन टू दैट आर्ग्यूमेंट, तो मुझे बात समझ में आई। उसने कहा कि आप मेरे चैनल को पाकिस्तानी मत मानिए, आप इंडियन मान के आइए। तो आप पॉइंट ये है कि पाकिस्तान से हो अच्छे ट्रेड हो, अच्छे संबंध हो, मगर पाकिस्तान से अच्छे ट्रेड करने के लिए पाकिस्तान को भारत से अच्छे संबंध नहीं कर रहे हैं मुजफ्फर भाई, मैं फिर कह रहा हूं पाकिस्तान को खुद से अच्छे संबंध करने हैं, पाकिस्तान को अपने इतिहास के साथ अच्छे संबंध करने हैं, पाकिस्तान को अपने कल्चर के साथ अच्छे संबंध करने हैं, पाकिस्तान को अपनी भाषाओं के साथ अच्छे संबंध करने हैं, पाकिस्तान को अपने हीरो के साथ जो उनके उनके जो नायक हैं उनके साथ संबंध अच्छे करने हैं। पाकिस्तान का संबंध यदि अपने आप से अच्छा हो जाएगा तो मेरी बात मान लीजिए, गांठ बांध के रख लीजिए, इंटरनेशनल रिलेशंस का जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप इंटरनल इंटरेस्ट को एक्सटर्नली प्रोटेक्ट करते हो। जब आपको पता होगा कि हम कौन है तो आपका सारा का सारा दृष्टिकोण सिर्फ और सिर्फ ये ओआईसी नहीं रहेगा, फिर आप यूनिवर्सैलिटी की बात करोगे। तो जब तक आपकी पुस्तकों में मुतालिया पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों को खून पीने वाले के रूप में दिखाया जाता रहेगा, तब तक मैं नहीं मैं चाहूंगा कि आप जैसे लोगों से बातचीत हो ताकि समझे, ताकि हमारी बातें वहां पहुंचे, जो लोग आपसे जो लोग हमसे इंटरलॉक्यूटर बन के बात करने आएंगे वो समझे हमारा जो जो पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिये मैं अपनी डॉक्टर साहब मैं अपनी बात को बताऊं, आप लोगों की वजह से, आपके वजह से, इस चैनल की वजह से मुझे लोग अब जो होशियारपुरी है हमारे भाई वो कहते हैं ये हमारा भाई है होशियारपुरी है, और जो जलंधरी है वो कहते हैं ये हमारा भाई है ये जलंधरी है। तो ये इतना प्यार है कि मैं मुझे वो अपने आप से जोड़ रहे हैं कि ये हमारा, क्योंकि मैं बताता होता हूँ कि मेरा जो नानका है, मेरे वालदा की जो फैमिली है वो होशियारपुरी है, और जो मेरा दादे की जो फैमिली है आगे वो जलंधरी है। तो वो देखे मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब मुझे कोई अपनाता है, अपना बनाता है। आपकी तो लड़ाई आपकी क्या है, हमें हिंदू मत कहो, हमें इंडियन मत कहो, अरे वो सबको मानने को तैयार हैं, वो सबको गले लगाने को तैयार हैं। वो तो दुखी होता है एक हिंदुस्तानी कि मेरा जमीन मेरी घर टूट गया, हम तो कह रहे हैं चीख चीख के कि रिबाहा जी हमारी है, आप हमारे हो, लेकिन आप कह रहे हो चिक चिक कि हम तुम्हारे नहीं है, हमारा तुमसे कोई लेना देना चाहिए, हम अंसारी हैं तो हम कुरैश हैं तो हम पता नहीं कौन कौन सी जाते गढ़ लिए आपने, यार आपकी शक्ल अरबों से मिलती है। अरे यार अस्तगफिरुल्लाह, आपको ये तो वही बात होगी कि कई बार आप जो है किसी कन्वर्ट को देखिए उसका नाम जॉन है, वो हमारी जैसा लिख रहा है और भी काला ही है और नाम है जॉन, हैरान हो जाती है जनता ये कौन सा जॉन है, आप समझ रहे हैं ना। तो पॉइंट ये कि आप इंडियन हो यार, हमारे कलर के हो, हमारे जैसे हो, और नाम है आपका भाई क्या तारिक बिन अजीज, अब वो हैरान हो हम भी ऐसे कौन कहां बिन कहां कैसा हो गया भाई। पॉइंट है कि आप अपने हिंदुस्तानी आपको आपको नहीं सबको प्यार करेंगे गले लगाएंगे हिंदुस्तानियों की, ये सबसे खास बात है। कौन सा वो थ्योरी है जो कहता है कि सारे रिलीजन बराबर है, वो है हिंदुस्तान की थ्योरी, एकम सत बहुधा विप्रावदंती, वरना कोई नहीं कहता ये बात कि सब एक बराबर है। आप कह सकते हो पाकिस्तान में कि सब एक बराबर है, नहीं कह सकते, हम कहते हैं ये हमारे बाप दादाओं ने हमें ये सिखाया है, और हमसे लेफ्टिस्टों ने चोरी कर लिया कि हम ये मानते हैं कि अरे तुम क्या मानते हो, तुम तो रिलीजन को ही नहीं मानते हो, तो तुम सबको एक कैसे कह सकते हो। एनीवेज बॉटम लाइन क्या है, हर हिंदुस्तानी आपको प्यार करेगा। मोदी जी ने अपनी जीवन ताल ठोक के जाओ पे लगा दी, पहुंच गए लाहौर और वो भी उनके क्या नाम है हेलीकॉप्टर में बैठ करके रायबिंड पहुंच गए, अटल बिहारी वाजपेयी पूरा बस और ट्रेन लेके पहुंच गए, क्योंकि हर हिंदुस्तानी आप लोग को अपना समझता है, ये सच है। उनके अंदर ये जो नफरत है ना, वो नफरत का कारण ये कि आपने ये पिछले 70 साल से ये कील ठोक ठोक के उसको नासूर बना दिया है।
वरना बांग्लादेश के साथ क्यों नहीं हमारे संबंध है, रॉ बांग्लादेश में क्यों नहीं भेज रही है कुलभूषण जाधव को? दुनिया में सारी दुनिया कहता है कि इंडियंस आर द पीस लविंग कंट्री, इंडियंस ने आज तक अपने इतिहास में कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं किया, लेकिन एक कंट्री इसका एक्सेप्शन है, वो पाकिस्तान, जो कहती है कि हम आतंकवादी मुल्क है। तो आप हमारी आइडेंटिटी को, हमारी हिस्ट्री को, हमारे ट्रेडिशन को नहीं झुटला रहे हो, आप खुद की आइडेंटिटी और ट्रेडिशन को झुटला रहे हो। मेरी बात समझे आप लोग, हम लोग आपसे प्यार करते हैं, हम चाहते हैं आपका भला हो, क्योंकि ये हिंदुस्तानी का नेचर है। वो जब कहता है अहम निजह परोवेती गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, एक हिंदुस्तानी जब श्रीलंका पे प्रॉब्लम आया मोदी जी गए, तुर्की हमें सारी जिंदगी गाली देता रहता है, लेकिन तुर्की में जब वहां पे वो पड़ा आपदा आई तो मोदी जी गए, आपने पैलेस्टाइन में जब आपदा आई तो मोदी जी गए। किसी की भी हम मदद करने में पीछे नहीं उठते, क्योंकि हम धर्म जात नहीं देखते हैं, हम सिर्फ मानवता देखते हैं। मानवता की बात करने वाला इकलौता दुनिया में कोई अगर थ्योरी आई है वो है भारत की थ्योरी, वो है हिंदुइज्म की थ्योरी, और हमको ही इन्होंने जो है दुनिया भर में दिखा दिया, ये तो शूदर बनने वाले हैं, गाय का मूत पीते हैं, घोड़े का मूत पीते हैं, हाथी की लीद खाते हैं, और ये बता दिया हमारे बारे, हमारी किताबों में कुछ लिखा है बता दिया ये घोड़े के मूत पीने, अरे गाय का मूत पीने वाले लोग हैं। बता रहे हो कि अगर ताजमहल नहीं होता तो तुम कंस्ट्रक्शन क्या करते, पाकिस्तान में जाकर के बेमिया में जो वो मूर्ति बनाई हुई है वही देख लो यार, पाकिस्तान में ही पुराने कंस्ट्रक्शन जाके देख लो, पूरे पहाड़ को काट करके मंदिर बना दिया बिना किसी पत्थर को लाए हुए। आप कह रहे हो कि हमें हमें आर्किटेक्चर नहीं पता था, अस्तग़फ़िरुल्लाह। आपको है जैसे आपने बोला ना कि इंडियन आपसे प्यार करते, तो हम भी आप सबसे बहुत प्यार करते हैं, आप करते हैं। Love you, Doctor Saab. Love you. Me too. Love you, darling. अच्छा हम वैसे टॉपिक से तो दूर दूर ही हट गए, टॉपिक की जानिब बातें हैं आज हम, जिस प्रोग्राम प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं और आप टेरर स्ट्राइक लाना चाहती हैं और कह रही हम दूर दूर चले गए टॉपिक से। यार रिवाहा जी आपने ना अलग ही एक आतंक बचाया हुआ है, चलिए लाइए टॉपिक। अब ये तो मैं क्या कह सकती हूँ, नहीं ठीक है लाइए आप टॉपिक लाइए। अच्छा सर आपने जैसे देखा कि कल जो है वो रशिया में अटैक हुआ और कई जो है लोग मर गए और कई कई लोगों की जानों जो लोग जो हैं अपनी जानों से हाथ धो बैठे और कई लोग इंजर्ड हो गए, तो सर उसके पीछे कहा ये अभी कहा जा रहा है कि आईएस का हाथ है, क्या कहेंगे आप इसको देखते हुए? डॉक्टर साहब आगाज आपसे करते हैं। देखिये रिभा जी, आईएस लोग नहीं कह रहे, आईएस ने इसकी वो ले ली है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने अपने वेबसाइट पे इसको क्लेम किया और उसके बाद इस शूटिंग की जो वीडियोस हैं वो भी अपलोड करी हैं, तो वो तो क्लेम कर चुके हैं। हालांकि रशिया में अभी थोड़ी सी एक जिसे कह लीजिए कंफ्यूजन की पोजीशन है, क्योंकि वो इसको इंश्योर करना चाहते हैं कि यूक्रेन का कोई हाथ ना हो इसमें, तो जब तक वो इस बात को रूल आउट नहीं कर देंगे कि देयर इज एनी फाउल प्ले फ्रॉम यूक्रेन, तब तक वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो पॉइंट बॉटम लाइन ये है रिभा जी की, कौन है वो लोग जो निहत्थों को मारना चाहते हैं, मुझे तो नहीं समझ आता। 140 लोग बेचारे बाथरूम की सीढ़ियों पे छुप रहे थे, वहां जाके मारा, धाए 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 धाए। आई मीन कुड यू बिलीव इट यार, मेरे सामने बकरे का वो कटता, एक बार ना वो चिकन कटा था, मैं वही धड़ से गिर गया वो देख करके, मुझे याद है आज तक। तो यार ये क्या मानसिकता है। तो अब बॉटम लाइन यही है कि अब देखिए, अब आईएसआईएस ने तो एक्सेप्ट कर लिया, अब इसी ये जब तक रहेंगे, आप रिफॉर्म को रेजिस्ट करोगे, मानवता की बात नहीं करोगे, कैसे होगा, क्या ही बताएं। अब वो दोस्त की मम्मी का मोमेंट आ चुका है। अब आप बोले आगे मुजफ्फर भाई, आप इस हवाले से इस न्यूज को कैसे देख रहे हैं? मैं ऐनक नहीं पहनी हुई, मैं बगैर ऐनक के देख रहा हूँ। और ये है कि देखिए बात ये है कि मुझे इस, आपने जब ये खबर जो सुनी तो मुझे ये ऐसे लगा कि ये आईएस वाले लोग जो हैं ये वहीं पर कार्रवाई क्यों करते हैं जहां पर अमेरिका की मौजूदगी होती है या अमेरिका के कुछ मफादात होते हैं, उन्हीं ममालक में ये कार्रवाई क्यों करते हैं। अब शाम की बात की जाए, इराक की बात की जाए, ईरान की जाए,
अफगानिस्तान की जाए, पाकिस्तान की जाए, तो ये पूरा एक जो खित्ता है, इस जो एरिया है, वहां पर अमेरिका के मुफादात हमेशा से हैं, उसकी इंटरेस्ट होती है। और अभी रिसेंटली आपको पता है कि यूक्रेन और रशिया जो वार हो रही है, उसके पीछे भी अमेरिका का ही एक इंटरेस्ट है। वो चाहता था कि रशिया को कमजोर किया जाए या कुछ ऐसे। तो ये यहाँ पर भी जो आपको पता है कि जो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं हमारे अफगानिस्तान में भी मौजूद हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जिनसे पैसा आप देकर कोई भी काम करवा सकते हैं। तो मुझे भी इसके पीछे जो है कुछ इस तरह के हाथ नजर आ रहा है कि ये काम करवाया गया है। इसका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। आईएसआईएस वाले जो जो भी हैं, इनका ना तो इस्लाम से ताल्लुक है। इस्लाम के नाम को ये समझे के बदनाम कर रहे हैं, और पैसे के लिए हो रहा सारा कुछ। कि आप ये जो लोगों को ट्रेंड किया जा रहा है मदरसों से निकाल कर, या जो कुछ चीजें ऐसी हैं कि उनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है, उनको कुछ दिखाया जाता है कि जी आपको जन्नत मिलेगी, आप ऐसे करेंगे, आपको ये होगा वो होगा, और वो अपने मफादात कर लेते हैं, खुद पैसा लेते हैं, जो भी उनके मफादात हैं वो होता है। तो वो अभी आप देखें कि एक वीडियो आज पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर दिखाई जा रही है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए तहरीक तालिबान जो है वो बैठी मस्जिद में बैठकर वो प्लानिंग हो रही है, और उसमें बोला जाता है कि 6 जो है वो रॉकेट फेंकने वाले बंदे होंगे, और बाकी 2 लेजर वाले होंगे, एक स्नाइपर होगा, और उनके साथ उतने उतने बंदे होंगे, और एक खुदकुश बम्बार होगा। वो पहले अटैक करेंगे और ये अंदर दाखिल होकर ये अपने आप को धमाके से उड़ा देगा, और मस्जिद में बैठ कर वो प्लानिंग हो रही है। भेजने वाले मुसलमान है, आने वाला भी मुसलमान है, अटैक जिस मुल्क पे हो रहा है, जिस मुल्क के शहरियों पे हो रहा है, वो भी मुसलमान है। जो मारने वाला वो ये क्लेम कर रहा है कि जी मैं जहाद कर रहा हूँ, मैं मार रहा हूँ और मैं जन्नत में जाऊंगा, और इधर जो पाकिस्तान के अंदर जो नुकसान होगा, जो लोग मरेंगे, वो भी शहीद होंगे, और वो कहा जाएगा कि वो भी जन्नत में जाएंगे। तो मुझे यहाँ पर ये नहीं समझ आ रही। मेरी इतनी उम्र हो गई है, मेरा जो सारा कुछ हम देखते भी हैं, स्टडी भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, इस्लामिक स्कॉलर के जो बयानात भी सुनते हैं, सारा कुछ है, कि इनमें से फिर शहीद कौन है, जन्नत में कौन जाएगा, हक पे कौन है, सच पे कौन है? वो जो अपने आप को कह रहे हैं कि जी हम जिहाद कर रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक कर रहे हैं, या जिनके ऊपर अटैक होगा, वो कुछ एक अजीब सी कंफ्यूजन है। यही सारी जो चीजें हैं वो आईएसआईएस वाले लोग हैं कि जो जिन्होंने जाकर निहत्ते लोगों ने वहां पर निहत्ते लोगों के ऊपर जाकर अटैक किया, उनको मारा, और बाद में अब वो क्लेम करेंगे जी हमने तो बड़ा एक मार्का मार लिया, हमने बहुत बड़ा जिहाद कर लिया, और हम जो है वो डिजर्व करते हैं कि हमें जन्नत में भेजा जाए। तो ये कौन सी ऐसी इनकी माइंड सेट, इनकी सोच है कि जी आप किसी को, बेगुनाह को कत्ल करके आपको जन्नत मिल जाएगी? और ये मुझे नहीं समझ आ रही कि ये इनको, इनकी ब्रेन वॉशिंग कौन करता है, इनकी इनका माइंड सेट कौन बनाता है, और ये किस तरह की दुनिया में वो जी रहे हैं कि आप इतने बड़ा एक लॉस करके, एक इतने लोगों की जान लेकर, और आप कहते हैं कि जी अब मैं जन्नत में चला जाऊंगा। अनबिलीवेबल। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे कि अब भी जो है आईएस जो है वो दुनिया के लिए वो एक रियल थ्रेट बन चुका है, क्या कहेंगे? अभी भी स्टिल जो है वो आईएसआईएस जो है वो रियल थ्रेट है? भाई मैं, कोई थ्रेट किसी चीज के लिए नहीं है। दुनिया चूंकि टॉलरेंट है, दुनिया एक्सेप्ट करिए एक बार दो बार, लेकिन जब तक समाज के अंदर से चीजें नहीं आएंगी। मोहम्मद बिन सलमान साहब कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप इस बात को बुरा ना मानिएगा, मेरे इंटेलेक्चुअलिज्म की दायरे को समझिएगा। आप लोग से नहीं होगा ये, आप रिफॉर्म या उसके किसी भी तरीके के, मतलब कोई भी चीज आप नया नहीं कर सकते, आप सिर्फ फॉलोअर हैं। आप फॉलोअर हैं, 4 स्कूल है, हनफी और जो भी, शाफी और मालकी शाफी मलकी, आपको इन्हीं में से फॉलो करना है। आप कोई लॉ गिवर थोड़े बन जाओगे। अगर कोई चेंजेस लाने वाला है तो वो सऊदिया है या अरबिया है, वहां से जो होगा आपके यहाँ पे उसका असर दिखेगा। आप समझ रहे ना, मोहम्मद बिन सलमान जो करेंगे उसका असर आपके पे दिखेगा। तो वो जो कर सकते हैं आप, यू आर कंडेम टू फॉलो इट।
आप लोग की गलती भी नहीं है ये। अब मैं देख रहा था, एक मौलाना साहब हैं टीवी पे आ गया, ए 2024 हिंदू गायब, ए 2024 हिंदू गायब, ये इसका रिलीजन से क्या लेना, क्यों हिंदू गायब हो जाए भैया, मुझे तो यही समझा दो। और मौलाना साहब से पूछो क्यों हिंदू गायब हो जाए, ऐसा क्या गया हुआ है, हजारों साल की लाखों साल की ह्यूमैनिटी का पूरा हिस्ट्री है, ह्यूमैनिटी को याद की है, लाखों साल से हिस्ट्री है यार, उस ह्यूमैनिटी में आपने आगे बस एक दिन कह दिया हिंदू गायब, पता नहीं क्यों भाई गायब हो जाए। अच्छा हिंदू गायब होके कहाँ जाएगा, तुमको तो अरबी हमेशा अल हिंदी बोलता रहेगा, कैसे तुम हिंदू को गायब करोगे, तुम अरबी बन जाओगे, अबे हिंदू गायब कैसे होगा मुझे बताओ, तुम अरबी बन जाओगे, तुम तुर्की बन जाओगे, मले बन जाओगे, चाइनीज बन जाओगे, कौन बन जाओगे। तो पॉइंट ये है कि ये थॉट प्रोसेस क्या है, आपको जो मानना है मानो, दूसरे को खत्म क्यों करना, आपको जो मानना है मानो, भारत तो वैसे भी फ्रीडम देता है, हमारे यहां तो लोग चूहे की पूजा भी करते हैं, मानना है मानो, खुश रहो, लेकिन मानना है और आपको हमें खत्म भी करना है। रिबाजी ऐसे कैसे चला, मेरा चैनल बन रहा है, बनने दीजिए, लेकिन मुझे रिबाजी के चैनल को खत्म करवाना, ये क्यों भाई, ऐसा क्यों, समझ रही है ना। तो पॉइंट ये है कि ये जब तक एक इसी बात से मैं भयाकृत हूं, क्योंकि मैं साफ कहूंगा भारत में पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है, जो आदमी अपने आप को गंगा जमुनी तहजीब का थ्योरी का वाहक बताता है वो एक पाकिस्तानी है। पाकिस्तानियों की क्या लड़ाई है हिंदुस्तानी से, कि हम हिंदुस्तानी नहीं है, हमारी शिनाख्त दूसरी है, क्या है तुम्हारी शिनाख्त बिना ये बताए हुए, क्या है तुम्हारी शिनाख्त, जितनी आजादी एक मुसलमान को पाकिस्तान में है उससे कहीं ज्यादा आजादी एक मुसलमान को इंडिया में है। हमारे यहाँ तो आप इस्लाम का सच भी नहीं पढ़ा सकते, आप क्या तो इस्लाम का सच कम से कम मौलाना पढ़ाते कि क्या लिखा है किताबों में, हमारे यहाँ आप ये पढ़ाने जाओगे आपको बिगट कह देंगे, आपको सिर्फ अच्छा बोलना है, जबकि आप उस रिलीजन से बिलोंग ही नहीं करते, और आपके यहाँ पे आपको हर रिलीजन को गाली देनी है। एक मुसलमान की जो स्थिति भारत में आपको पता ही नहीं है, वो राजा की तरह रहता है यहाँ पे, ही हैज अ वीटो पावर, और आपके यहाँ पे जो हिंदू है वो एक भिखारी की तरह पे रहता है, वो एक याचक की तरह पे रहता है, वो समाप्त किया जा चुका है, उसकी सोसाइटी में जगह नहीं है, उसकी लॉ में जगह नहीं है, उसकी पॉलिटिक्स में जगह नहीं है, उसकी इकोनॉमिक्स में जगह नहीं है, दैट कम्युनिटी इज कंडेम्ड। आपने हिंदुओं को गाली दिया कि ये शूद्रों और अनटचेबिलिटी को मानने वाले लोग हैं, और आप अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस सबसे ज्यादा आज की डेट में कहीं होता है तो पाकिस्तान में होता है। क्रिश्चियन के हाथ का हम पानी नहीं पिएंगे, हिंदुओं के हाथ का हम पानी नहीं पिएंगे, इसको अनटचेबिलिटी नहीं कहते तो किसको अनटचेबिलिटी कहते। पॉइंट ये है मेरे कहने का मतलब, आप जैसे लोग उम्मीद की किरण है, और शाहरुख खान जैसे किरण, तो वो किरण आप ही हैं, समझ रहे हैं ना। तो अब आप लोग जैसे लोग, मैं तो आपके प्रोफेसर्स को भी सुना हूँ, वहां से भी मेरा दिल उचट चुका है, एटलीस्ट अ प्रोफेसर शुड क्रिटिसाइज एवरी रिलीजन। अगर तुम एक रिलीजन के अंदर क्रिटिसाइज कर रहे हो तो हर रिलीजन के अंदर जाओ और क्रिटिसाइज करो, एक को तुम क्रिटिसाइज, वो भी पाकिस्तान में बैठ के भी तुम बाहर वाले को कर रहे हो। तुम पाकिस्तान में हो तो तुम्हारी ड्यूटी है कि अपने वाले को क्रिटिसाइज करो, जब तक तुम उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो दूसरे के बारे में बोलने का तुम्हें हक नहीं है। बिल्कुल सही कहा सर। लेकिन नहीं, यहां से भी बैठ के आप हिंदुत्व को गाली दे रहे हो, यहाँ पे कोई बैठ के हिंदुत्व को गाली दे उसका हक है, बिल्कुल होना चाहिए, देना चाहिए। हमारे यहाँ लोग कहते हैं सनातन जो है वो डेंगू मलेरिया हम खत्म कर देंगे, और हमारे यहाँ उसको लोग वोट देके मिली समाते, कोई कार्यवाही नहीं होती, लोग बड़ा बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। पॉइंट ये है रिबाहा जी कि प्यार बहुत है हमारे आपके बीच में, मगर जमाने ने दीवार खड़ी कर दी है, यही तो दुख है सर, यही दुख है। जिस दिन ये दीवार गिरेगी, सर जमीन है हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम, मैं बादशाह खान आएगा। तो मुजफ्फर भाई लास्ट सवाल है आपसे, क्या कहेंगे कि क्या आईएसआईएस जो है अब एक रियल थ्रेट है दुनिया के लिए? थ्रेट तो है, देखिए कहीं भी किसी भी मुल्क में कभी भी वो कुछ भी कर सकता है, वो जैसे उसने रशिया जैसे मुल्क के अंदर कर दिया है, तो थ्रेट तो है, पहले भी इस तरह की कार्रवाइयां की हैं। भारत के अंदर भी जो है लव जिहाद, आपको पता होगा कि उन्होंने किस तरह से लड़कियों को वहां पर बरगला कर और उनके साथ क्या कुछ किया, उसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है। तो
तो थ्रेट तो है, ये बेरहम किस्म के लोग हैं, इनके अंदर रहम नाम की चीज कोई नहीं, इनका इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं, इनसे जो मर्जी जो मर्जी जो कुछ करवा ले। तो थ्रेट तो है इसमें, लेकिन बात डॉक्टर साहब की बिल्कुल ठीक है कि इन लोगों को लगाम डालेगा कौन? इनको लगाम तो यही है ना कि ये अगर अपने आप को कहते हैं कि जी हम मुसलमान हैं, तो हम यहाँ पर इनको कंडेम करने वाला कौन है? अगर आज ये वाकया रशिया के अंदर हुआ है, तो आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के किस बड़े स्कॉलर ने, मजहबी स्कॉलर ने इस वाकये को कंडेम किया है? मुझे बताएंगी? किसी ने किया है? किसी ने भी नहीं किसी ने किया। नहीं ना किया। क्यों नहीं किया? अगर यही काम किसी इस्लामी मुल्क के अंदर हुआ होता, तो आज यहाँ पर हड़तालें हो रही होती, स्ट्राइक हो रहे होते। तो जारी भी किए जाते, जी फतवा भी जारी होता है। जी फतवा जारी होता, तो ये क्यों नहीं हुआ? अगर ये आईएसआईएस ने रशिया के अंदर ये काम किया है, तो इसकी पाकिस्तान के अंदर से किसी मजहबी रहनुमा ने उसकी मजम्मत क्यों नहीं की? ये मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है और ये रहनुमा की सोचने की बात मजम्मत है। हो जाती, जी रहनुमा की मजम्मत हो जाती है उसके बाद, आप समझ हाँ, लिए। यही चीज है ना, यही चीज है, इसकी मुज़म्मत होनी चाहिए। तमाम जो मकतबा फिक्र हैं, तमाम जो पाकिस्तान के मजहबी रहनुमा हैं, वो इकट्ठे हों, बैठे, सोचे इस चीज पर, ये कौन सा इस्लाम है कि जो आप किसी जाकर आम निहत्ते लोगों के ऊपर फायरिंग कर दें और उनकी जान ले लें? ये कौन सा इस्लाम है? तो इसकी मुज़म्मत होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई गैर मुस्लिम मरता है तो उसकी मजम्मत कोई नहीं, अगर कोई मुसलमान मर जाता है तो उसके ऊपर फौरी तौर पर हम मजम्मती करते हैं, तो वो भी इंसान है। अगर कोई इस्लाम में दाखिल नहीं है तो वो इंसान नहीं है, उसको इंसान कहलाने का हक नहीं, उसकी जान की कोई अहमियत नहीं, उसकी कोई कदर नहीं है। डॉक्टर साहब सर हिला रहे बिल्कुल, हैं। हाँ मैं सहमत हूँ, कोई कदर नहीं है, कोई पे एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की कदर नहीं करता, तो हम दूसरों को क्या, कौन से राइट देंगे? क्या मुझे बताएं, आपके सराउंडिंग में अगर मेरी आप, मेरी देखे मेरी नजर में एक मुसलमान की भी उतनी अहमियत है जितनी कि एक हिंदू की अहमियत है, एक क्रिश्चियन की अहमियत है, एक यहूदी की अहमियत है, एक सिख की अहमियत है, उतनी ही अहमियत है, उसकी भी जान उतनी ही कीमती है कि जितनी एक मुसलमान की जान कीमती है। तो अगर कोई की बेगुनाह की जान ली गई है तो उसकी मजम्मत होनी चाहिए, और पाकिस्तानी या इंडियन या पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मजहबी अपने आप को रहनुमा बोलते हैं, उनको इसकी मजम्मत करनी चाहिए और इनके खिलाफ इकट्ठे होना चाहिए कि ये इस तरह की जो कार्रवाई है उसकी अगर आप मजम्मत करेंगे, इनको एक साइड पे कर देंगे, और मेरे ख्याल में फिर हो सकता है कि ये चीजें कंट्रोल हो जाए। इनको शह मिलती है कि हमने पता नहीं कौन सा नेकी का काम कर दिया, हमने कौन सा ऐसा को मार का मार लिया है काफरों को मारकर। और मेरे ख्याल से रिलीजन तो आपका एक पर्सनल मैटर है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को तहफ्फुज़ नहीं दे रहा, तो दूर और की ये बात कहते हैं हमने काफरों को मारा है, काफरों को मारा है, ये बड़े फखर से है। कहते हैं जी हमने इतने काफरों को मारा है। हाँ, तो तो उस पे तो सबसे पहले एलिगेशन ही ये लगेगा ना अच्छा, कि तो मुझे उसका मारेंगे तो क्या दबाएंगे सबसे पहले? सही है, ये डॉक्टर साहब इशारे आप आप हमेशा ये बात करते नहीं, ये इशारे आपको 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 हमारी जिंदगी भी लग जाए डॉक्टर साहब। आमीन आमीन सर। नहीं आपको भी, आप सबको भी लगे। नहीं तो अब इन्होंने देखिए आपने जिंदगी दी है, करिए बता रही है शारक शारक सर जो वो तो जोक सा पार्ट ना, आप हमेशा ये बात करते नहीं, ये देख रही शारक, ये शारक नहीं, जब मुझे दादू, मैंने तो बोला भाई ऐसा ना करे, सुनिए ना, मैंने तो अच्छा काम किया यार। चले खैर, ऑन द गुड न्यूज, लेट्स 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 कंक्लूड दिस और रैप इट अप ऑन अ वेरी गुड एंड अ हाई एंड अ पॉजिटिव नोट। सर हर चीज का एक समय आता है, एवरीथिंग हैज अ शेल्फ लाइफ, ठीक है ना? और देखिए उस मॉस्को के जो चार किलर है, वो हो सकता था मेंटल डिजीज के कारण मार देते, वो हो सकता था किसी और वजह से मार देते, सरकार से गुस्सा होके मार देते, या पे उन्होंने आईएसआईएस के लिए, कि जो मुस्लिम देश से लड़ रहा है उसके लिए मार दिए। पॉइंट ये नहीं है, ये होता रहेगा, समाज में ऐसे लोग एग्जिस्ट करेंगे और इस तरीके की कैजुअलिटीज होंगी। पॉइंट तब प्रॉब्लम का घर आता है जब आप उसके रूट कॉज को डिनाई करने लगते हो, क्योंकि जब आप रूट कॉज को डिनाई करोगे तो उसका फिर सोल्यूशन नहीं आएगा। पॉइंट
पॉइंट ये कि मान लीजिए उसने मारा कि वो मेंटली पागल है, मान लीजिए वो चारों पागल होते, तो भाई ठीक है चलो पागलों को रखो, अब इनको समाज में ऐसे करके रखो। ये अमरजीत सिंह जी ने अरबी में कुछ लिख दिया है, अरबी में भरी बहार में एक शाख पर खिला है गुलाब के, जैसे तूने हथेली पे गाल रखा है। हथेली कहीं नहीं रखी है। पोएट्री जो है हर वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर सेंड करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच अमरजीत सिंह, दो मिनट के लिए हंसी। तो चलिए अब ये अमरजीत सिंह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और एक गाना इसी के साथ खत्म किया जाए, रंग बरसे ठीक है चुदर बाली रंग बरसे, अरे कहने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया, ओ रंग रसिया रंग रसिया रसिया, ओ रंग बरसे भीगे बेगे चुनर वाले रंग बरसे, सोने की थाली में जो ना परोसा, सोने की थाली में, अरे सोने की थाली में जो ना परोसा, हाँ सोने की थाली में जो ना परोसा, अरे खाए गोरी ही का यार बलम तर से रंग बर, रंग बर से होली है, होली है रंग बर से भीगे भीगे चुनर वाले रंग बर, लौंगा इलायची का, अरे लौंगा इलायची का, हाँ हाँ लौंगा इलायची का, अरे लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, हाँ हाँ लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, अरे चब है गोरी ही का यार बलम तर से रंग भर से भीगे चुनर वाली रंग भर से, लास्ट लाइन वो ऐसे है, अरे बेला चमेली का सेज बिछाया, अरे बेला चमेली का सेज बिछाया, अरे हाँ हाँ बेला चमेली चमेली का सेज बिछाया, सोए गोरी ही का यार बलम तर से रंग भर से होली है। ये सॉन्ग आइकनिक है, बड़ा पसंद है, और जब भी होली होती है हम लोग के, अब जैसे कल होगी, अब हम तो खेल नहीं पाएंगे, लेकिन ये बैकग्राउंड में बजेगा ही बजेगा। दिस सॉन्ग हैज अटेंड द स्टेटस ऑफ क्या कह लीजिए उसको, आई मीन कस्टम। कुणाल भट्ट करे रिबाजी सुनिए ना प्लीज। सुन रही हूँ सर, थैंक यू सो मच, चार चांद लगा दिया आपने ये गाना सुनाकर, थैंक यू। मुजफ्फर भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, तो मैंने छह चांद की थी, दो आपने काट लिए पता नहीं किस बात के। मुजफ्फर भाई आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ा जबरदस्त, और वंस अगेन तमाम हमारे व्यूअर्स को जो हमें देख रहे हैं दुनिया से जहां से भी, उन सबको हैप्पी होली, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाजत, थैंक यू सो मच, होली है, बुरा न मानो, होली है, हैप्पी होली एवरीवन, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।